नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन फ्यूचर मार्केट के बारे में। लास्ट 3 वीक से जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन चल रहा है। वो डाउन क्यों चल रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो यूएसए की जो एक्सचेंज है नैसडैक जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के द्वारा जो अभी चल रहा है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है नैसडैक, जो प्लानिंग कर रही है बिटकॉइन फ्यूचर मार्केट विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2019 2019 में ही बिटकॉइन फ्यूचर का जो नया वर्जन है वो ये लॉन्च कर रहे हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए अभी बातचीत चल रही है इनकी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, कमोडिटीज़ एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, जो कि रेगुलेटरी करने के लिए, इसको अप्रूवल करने के लिए भी बातचीत चल रही है। जैसा कि निषाद ने जो बोला था कि यूएस का जो मेन कमोडिटी का जो फंड है, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन है निषाद, जैसा कि ETF को एक्सचेंज ट्रेडिंग ऑफ फंड का जो अप्रूवल लेना है, तो उससे पहले ये यूएस का जो मेन एक्सचेंज है निषाद, इस निषाद के साथ बिटकॉइन फ्यूचर लॉन्च कर रहे हैं अपना अलग से। बिटकॉइन बकेट के बारे में आपने सुना होगा, बिटकॉइन बकेट बेसिकली एक एक्सचेंज है, वो बिटकॉइन फ्यूचर लॉन्च कर रही है जो नया वर्जन होगा। बकेट एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है बिल्ड बाई आईसीई के द्वारा एक एक्सचेंज बिल्डअप की गई है, जो कि पेरेंट कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने एक एक्सचेंज लॉन्च की बकेट, जो कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग करेगी, और अपना खुद का जो वर्जन है बिटकॉइन फ्यूचर के नाम से वो लेकर के आ रहे हैं अभी जनवरी 24 को। ठीक है, तो नवंबर 20 को इन्होंने लॉन्च करना था, लेकिन वो डिले हो गया बिटकॉइन फ्यूचर का जो लॉन्च होना था। और उसके बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है काफ़ी डाउन हो गया है। और बिटकॉइन बकेट जो एक्सचेंज है यूएसए में, जो कि लॉन्च की गई है आईसीई के द्वारा, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पेरेंट चेन है, तो आईसीई फ्यूचर यूएस आईसीई ने जो बकेट एक्सचेंज लॉन्च किया है बिटकॉइन बकेट, जो कि यूएसडी में डेली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के ऊपर काम करेगा। बकेट बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन फ्यूचर उसके ऊपर लॉन्च होगा। 24 जनवरी की इन्होंने डेट दी है अप्रूवल के लिए। और बकेट एक्सचेंज जो है, जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगी, तो उसके लॉन्च होने से पहले जो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। ठीक है, और जो प्राइस है वो डाउन हो चुका है, उसके द्वारा अभी जो रेट है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है। जैसा कि बकेट, फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स, गोल्डमैन सैचो, बिटगो कस्टडी, कॉइन बेस कस्टडी, ये सारे ओवर काउंटर कर रहे हैं इसके मार्केट को। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नसाद जो एक्सचेंज है, अभी अगर इस पर ये बिटकॉइन कट और इसके द्वारा अप्रूव हो गया है कमोडिटीज़ में, एक्सचेंज ट्रेडिंग ऑफ फंड में, तो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है NYSE और नसाद, जो कि लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ग्लोबल मार्केट में, अगर बिटकॉइन फ्यूचर मार्केट में इनके द्वारा लॉन्च कर दिया गया तो काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन होगा। बिटकॉइन को एक ऑफिशियली ट्रेडिंग का एक रास्ता मिल जाएगा बिटकॉइन कमोडिटीज़ के द्वारा और ETF के द्वारा। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड भी अभी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के पास है, SEC के पास है, जो कि बिटकॉइन बकेट को मान्यता देंगे और बिटकॉइन फ्यूचर वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। तो अभी बिटकॉइन फ्यूचर जैसे लॉन्च होगा, तो इसका जो प्राइस है बिटकॉइन का वो डंप हो रहा है। जैसे ही डंप होगा, काफ़ी जो रेट है काफ़ी कम हो जाएगा, उसके दौरान ये काफ़ी बिटकॉइन बाई करेंगे। तो मेन टारगेट यही है ना इनका, कि बिटकॉइन का जो रेट है वो डाउन करवाया जाए, उसके बाद ये बिटकॉइन बाई करेंगे लार्ज अमाउंट में, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख बिटकॉइन।